हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक हमारे पास फोन है वीवो का Y81 जो मीडियाटेक का चिपसेट होता है। इसके अंदर बहुत सारे लोग मार्केट में स्टूडेंट बोल रहे हैं या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इसका इमिंगसी चेंज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसके या प्रोसेस नहीं पता है। तो इसकी में हम लोग यहाँ पे एक वीडियो बना रहे हैं जो कि एक पूरा फोन ऑन है, कम्प्लीटली ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फोन में। तो हम इसको आपको बताएंगे इमिंगसी, इसके अंदर मैं दूसरी इमिंगसी लगाऊंगा और क्या क्या इसकी प्रोसेस होंगी, पूरा स्टार्टिंग से लेकर इंड तक आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये फोन ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फोन पूरा ऑन है, पूरा वीवो आ रहा है, फर्स्ट लोगो आ रहा है, इसके बाद सेकेंड लोगो आके पूरा कस्टमर का डाटा भी इसमें है, ये पूरा फोन ऑन है। लेकिन अब यहाँ पे हम इसके अंदर एक इमिंगसी डालने वाले हैं जो कि मेरे पास एक एमएमसी यहाँ पे है, सैमसंग की ही है। तो मैं आपको इसका पूरा प्रोग्रामिंग करके इसके अंदर डाल के बताऊंगा और किस क्या क्या स्टेप है, पूरा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ, फोन की एमएमसी बताऊंगा, उसके बाद जो मैं डालने वाला हूँ उसकी एमएमसी का नंबर, दोनों नंबर आपको मैं यहाँ स्क्रीन पर बताऊंगा बड़े स्क्रीन में, फिर आप देखना कि मैं एमएमसी चेंज कर रहा हूँ या उसी की डाल रहा हूँ, तो आपको इसमें कन्फर्म होगा। जैसे कि अभी यहाँ देख सकते, पहले आप फोन ऑन होने देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैटर्न लॉक पे है, एक कस्टमर का डाटा वगैरह इसमें है, आप देख सकते हैं। इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है क्योंकि इस पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है और इसका पैटर्न तो नहीं पता, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं फोन पूरा एक कस्टमर का डाटा के साथ है। तो ये एक फोन इसी का ही एमएमसी है। अब इसका मैं एमएमसी का आपको वर्जन बताता हूँ, इसका नंबर बताता हूँ, पार्ट नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग की एमएमसी लगी है और यहाँ पे जो नंबर है आप देख सकते हैं B421 जो यहाँ पे लगा हुआ है नंबर, ये इसके अंदर अभी चल रही है फोन। और ये नंबर आप देख सकते हैं, ये पूरा KMGD6001BM, ठीक है, ये एमएमसी है। इसकी जगह पे हम जो है तो ये 3/32 की एमएमसी है, इसका जो एमएमसी का है वर्जन ये 3/32 है, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज। और हमारे पास जो एक एमएमसी है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एमएमसी है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ थिनर लगा के। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नंबर B614 है, इसके अंदर जैसा कि देख सकते हैं अभी ये पूरा नंबर अभी दिख रहा होगा आपको क्लियर, ये KMRH6001A B614, ये 464GB का स्टोरेज है। हम यहाँ पे 3/32 की जगह पे 644GB का हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं बोर्ड में एमएमसी लगी है, मैं इसको बाद में निकालूंगा, पहले ये एमएमसी को प्रोग्रामिंग करूंगा, किस तरह प्रोग्रामिंग करना है मैं आपको यहाँ पे लाइव बताऊंगा स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन ले लेता हूँ, बस अब रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एमएमसी लगाने वाले हैं योफाई बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको एमएमसी चेक करवाता हूँ जो मैं इसमें लगा रहा हूँ, जो कि 4/64 का स्टोरेज है और फोन में जो चल रही है 3/32 है। तो जैसे ही हमारी यहाँ टूल ओपन हो गई है योफाई का, और मैं यहाँ एक एमएमसी लगाता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे एमएमसी को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 64GB का ये स्टोरेज है, और यहाँ पे ये एमएमसी एक रेडमी 4X से निकली हुई है। अब ये कॉम्पेटिबल वगैरह जो हमने चेक किए थे, ये वीवो Y81 का एमएमसी हमें रेडमी 4X में मिला कॉम्पेटिबल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, जो Redmi 4A का जो डाटा था पूरा कंप्लीट RPM भी के साथ इसमें अवेलेबल है, की भी अवेलेबल है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं 64GB का स्टोरेज है। और इसका एक बार हेल्थ भी चेक कर लेंगे हम ये एमएमसी का। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 30-40% ये एमएमसी का हेल्थ यहाँ पे ये यूज हो चुका है। अब इसका हम ये क्या इसके अंदर पूरा एमएमसी इरेज करने वाले हैं, ये एमएमसी को पूरा डाटा इरेज कर देंगे और इसका हेल्थ रिपेयर भी कर लेंगे, साथ ही साथ आरपीएम भी क्लीन हो जाएगा।
तो हमें आरपीएम भी क्लीन करना जरूरी होता है, क्योंकि ये किसी और सीपीयू का इसमें की हार्डवेयर की होता है, तो हमें दूसरे सीपीयू में डालने के लिए, मैच करवाने के लिए पहले उसको क्लीन करना होता है। तो हम इसको क्लीन करेंगे, पूरा एमएमसी इरेज कर देंगे। अब इसका नॉर्मली हम हेल्थ रिपेयर तो नहीं कर सकते, जैसे एसके आइनिक्स एमएमसी होती है उसका हम हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका हेल्थ रिपेयर नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एमएमसी पार्टीशन में जाके हेल्थ रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक एरर आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टिक लगा के हेल्थ रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एरर आ जाता है, ये सैमसंग की एमएमसी को सपोर्ट नहीं करता एमएमसी हेल्थ रिपेयर। तो इसका एक ही रीजन है एमएमसी हेल्थ रिपेयर करने का, आपको आरपीएम भी क्लीन करना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं ये एमएमसी को पूरा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 4A का कुछ भी डाटा नहीं चाहिए, पूरा एमएमसी इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट हो गई है, और एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे एमएमसी को। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएमसी यहाँ पे फॉर्मेट हो गई है, और यहाँ पे फाइल उसका सब कुछ इरेज हो गया है। अब यहाँ पे आरपीएम भी क्लीन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजन काउंटर आ रहा है यहाँ पे 87686, ये कुछ एक काउंटर है जो सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, सीपीयू की एक हार्डवेयर की होती है एमएमसी में। तो हमें इसको क्लीन करना होगा, क्योंकि सैमसंग की एमएमसी आरपीएम भी क्लीन होती है, तो हमें उसकी आरपीएम भी क्लीन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी पहले फाइल को रीड करेंगे, जो इसकी आरपीएम भी, जो इसकी एफएफयू फाइल होती है जिसमें हम आरपीएम भी क्लीन करते हैं। तो पहले हम यहां से उसकी फाइल को रीड करेंगे। ये इसलिए रीड करना है क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूएफआई के पास ये फाइल अवेलेबल नहीं होती है, तो हमारी एमएमसी वहां पर डेड हो जाती है, या फिर आपकी स्टोरेज दिखाती नहीं है, तो इस कंडीशन में वो डेड बुड में चले जाती है एमएमसी। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले फाइल को बैकअप करेंगे, और यही फाइल से वापस अपडेट करेंगे एमएमसी को, और आरपीएम भी क्लीन कर देंगे। तो अभी हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है रीड होने में, अब यहाँ पे जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार आपको फाइल बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास इतने सारे फाइल्स हैं, और मैं जो अभी जस्ट रीड किया ये नीचे वाली है KMRH60014A, जैसे कि आपको डेट के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे 19 तारीख बता रहा है, 9 महीना सितंबर 2022 7:22 का। तो ये हमारी टाइमिंग के हिसाब से अभी जो आज की फाइल है यही है, और मेरे पास सेम नंबर के और भी फाइल्स अवेलेबल है, बट क्या है इसमें रिविजन्स का भी इश्यू रहता है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। तो आते हैं अपडेट एमएमसी एफडब्ल्यू पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एफएफयू फाइल ढूंढ लिया है। यूएफआई के एक अंदर ऑप्शन होता है कि ये ऑटोमेटिक फाइलों को ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो फर्स्ट नंबर पे न्यू बोल के लिखा हुआ है आगे, ये न्यू जो होता है ये यूएफआई के फाइल होती है, यूएफआई के बॉक्स के अंदर की उसकी खुद की फाइल होती है। और ये नीचे एक्स्ट्रा में तीन और जो दिख रहे हैं यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है, तो ये जो मैंने रीड किया किसी एमएमसी का फाइल वो उसका यूजर होता है, और जो सबसे लास्ट वाली है वो अभी जस्ट हमने रीड किए वो उसका बताता है। तो ये हमारी जस्ट अभी की रीड किया हुआ फाइल है, हम इसको ये राइट करेंगे, ओके कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक पूछ रहा है कि अगर आपकी इस टास्क में कुछ प्रॉब्लम आया तो इसके लिए ये आपकी जिम्मेदारी होगी एट योर ओन रिस्क। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एमएमसी को यस। तो अब यहाँ पे देखेंगे अब प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो गया है हमारा, और यहाँ पे आप सेट यहाँ पे बूट वन मोड बूट टू मोड आएगा, उसके बाद हमारा प्रोग्रामिंग सीआईडी डन लिख के आ जाएगा। जब तक डन लिख के नहीं आएगा जब तक हमें वेट करना है, इसको टाइम लग सकता है, मिनिमम 1 मिनट 2 मिनट लग भी सकते हैं। तो वेट करेंगे, इसको हमें कुछ भी दूसरा टास्क नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है आरपीएम भी क्लीन करने के लिए। ना हमें मिनिमाइज करना है टूल को, ना कोई और दूसरा और कोई काम करना है, ना रिफ्रेश करना है, क्योंकि पूरा ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इवन अगर आप रिफ्रेश भी करते हो तो ये टास्क में स्पीड कम हो जाती है, जैसे कि डम्ब रीड राइट में भी स्पीड कम हो जाती है। तो हमें कोई दूसरा टास्क नहीं करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए। तो देखो यहाँ पे जैसे कि टाइम दिख रहा है आपको, टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम रुक जाना चाहिए हमें। इसके बाद ये मोड टू बता रहा है, इसके बाद वन आएगा, कभी यहां पे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि यहां पे फेल हो जाती है,
तो उसमें MMC डेड हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई जगह पे कोई फील्ड नहीं आया और MMC ना डेड हो गई है। पूरा यहाँ पे मेरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, प्रोग्रामिंग CID डन हो गया है। अब वापस से मैं एक बार आइडेंटिफाई करके आपको बताता हूँ MMC। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम का एक यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो कि RPM भी क्लीन हो गई है। इसका जो यहाँ पे मतलब है, पहले यहाँ आ रहा था कुछ काउंटर आ रहा था, प्रोविजन काउंटर कुछ नंबर्स थे जो कि एक CPU का की होता है MMC के अंदर, तो वो की अभी यहाँ पे हमने इरेज कर दी है। ये एक MMC ब्लैंक हो चुकी है, जैसे कि अब ये यूनिवर्सल बोलेंगे हम इसको कि जिसमें ये नंबर कॉम्पेटेबल होगा हम उसके अंदर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये MMC पूरी कंप्लीटली इरेज हो गई है और यहाँ पे हेल्थ भी एक बार चेक करेंगे, जो कि इसमें 30-40% MMC हेल्थ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0-10% में आ गई है MMC हेल्थ। मतलब इसका हेल्थ आप हमेशा इस तरह से रिपेयर करेंगे कि इसका लाइफ कभी खत्म ना हो। मतलब जैसे SK Hynix वन टाइम ही हेल्थ रिपेयर होती है और उसको सेकेंड टाइम नहीं कर सकते, लेकिन सैमसंग में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पॉसिबल का ऑप्शन आता है और SK Hynix में जब हेल्थ रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि पॉसिबल है तो मतलब और कर सकते हैं। तो यही चीज होती है, सैमसंग की खासियत यही है, इसके लिए हम इसको सैमसंग MMC चेंज में यूज करते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हमारा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमारा ये हो गया RPMB क्लीन का पहला स्टेप, जिसमें हमने RPMB क्लीन कर दिए है। सेकेंड स्टेप, आपको चाहिए डम्प फाइल। अब आप नेट से ढूंढ सकते हैं या आपके पास सेम टू सेम फोन है या आप उससे रीड करके ले सकते हैं डम्प फाइल, या जो भी नेट पे पेड़ वाले वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक डम्प फाइल है, जैसे कि मैं आपको यहां दिखाता हूं, मैंने एक फोन से रीड करके रखा हुआ डम्प फाइल है। Vivo Y81, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक Vivo Y81 का डम्प फाइल यहाँ पे रीड करके रखा हुआ है। बूट 1, बूट 2, exe/chd और यूजर एरिया 128 MB का है, जो कि यहाँ पे ये डम्प है। इसके अंदर ना सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा डम्प होता है, इसमें सिक्योरिटी फाइल रीड नहीं होगा। और साथ ही साथ मेरे पास एक RPMB की भी फाइल है, क्योंकि अब इसके RPMB हमने क्लीन कर दिए है, फोन तो ऑन हो जाएगा लेकिन एक स्क्रीन पे टेस्ट मोड बोल के एक एरर आ जाता है फोन ऑन होने के बाद। तो वो टेस्ट मोड हटाने के लिए हमें एक RPMB की फाइल भी जरूरत होती है। तो हम ये USB से भी राइट कर सकते हैं, जैसा कि UMT से राइट कर सकते हैं, अनलॉक कूल से भी राइट कर सकते हैं। ये आगे के प्रोसेस में मैं बताऊंगा ये आपको कैसे करना है, फिलहाल तो हम आगे का भी ये स्टार्ट प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डम्प फाइल पहले राइट कर देंगे, जो कि मिनिमम आपको छोटा से छोटा डम्प 32 MB का अगर भी मिलता है, 32 MB का, तो भी आप राइट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये सारे फाइल अपने अपने फोल्डर में डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे exe/chd के अंदर exe/chd डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं यूजर एरिया और बूट 1, उसके बाद हम डालेंगे बूट 2। तो ये हमारी सारे फाइल्स आ गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको MMC और चेंज करना है कितने सारे नंबर्स के हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये MMC आप लगा सकते हैं उसकी जगह पे, इतने 10 MMC यहाँ पे बता रही है, ये सब प्रोडक्ट नेम होते हैं MMC के। आप इसमें से निकाल के SK Hynix में लगा सकते हो, क्योंकि MediaTek के अंदर SK Hynix भी पॉसिबल है चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे हम इसकी भी लगा सकते हैं। चलो यहाँ पे हमारी सारे फाइल लग गई है और मैं यहाँ पे एक 32 MB का ले लेता हूँ, तो 128 रख लेंगे जो हम राइट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड अच्छी है राइट होने में, क्योंकि हेल्थ रिपेयर कर दी है इसकी, MMC पूरी क्लीन कर दी है। तो MMC क्लीन होने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे राइट हो गया है हमारा डम्प फाइल, क्योंकि बिना डम्प का अगर आप फ्लैश करोगे डायरेक्ट फ्लैश फाइल से तो फोन ऑन नहीं होगा, मिनिमम उसको डम्प फाइल चाहिए तो बूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसकी जगह अगर MI का फोन होता है तो MI के अंदर आप डम्प फाइल की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फ्लैश फाइल डाल के भी आप कर सकते हो ये प्रोसेस। तो चलो यहाँ पे यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, डम्प फाइल डाल दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि 128 MB के अंदर कोई फाइल नहीं आती फ्लैश फाइल, हमें फ्लैशिंग करनी होगी। तो फ्लैशिंग करने के लिए हम फैक्ट्री इमेज में आ जाते हैं और हमारा है ये पे कॉलकॉम है, तो यहाँ पे हम MediaTek का ले लेंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा MTK का चिपसेट है।
और मेरे पास यहाँ पे फ्लैश फाइल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, क्योंकि बड़ी फाइल होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सट्रैक्ट होने में, इसके लिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी लेके रखा है Y81 PD 1732 F बोल के इसका मॉडल। तो यहाँ पे ये सारी फाइल एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे मीडियाटेक स्कैटर फाइल को ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारी मेन स्कैटर फाइल यही होती है। आ जाते हैं UEFI में और ये फाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से उठा के हम यहाँ पे फाइल को पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल लोड नहीं हो रही है, क्योंकि इसका फाइल लेंथ जो है थोड़ा सा लंबा होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसको एक शॉर्टली कर देता हूँ। इसका नाम अगर थोड़ा सा वीक हो जाए तो इसके कारण हमारी फाइल लोड नहीं होती है। तो हम यहाँ पे उसको रिनेम कर सकते हैं छोटा नाम, उसके बाद अब हमारी फाइल यहाँ पे इजीली लोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव बताने वाला हूँ सब कुछ। तो हमारी मीडियाटेक की फाइल, ये हमारी फाइल हो गई है और मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अब मेरी फाइल लोड हो गई है प्रॉपर वे में। तो पहले ये नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके कारण ये था कि फाइल का जो लेंथ होता है, नाम जो होती है, वो कुछ लंबा 2-3 नंबर होने के बाद, एक्स्ट्रा होने के बाद वो फाइल को नहीं ले पाता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा उसने फाइल लोड कर दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिपार्टीशन को टिक लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे। तो ये हमारी ऑफलाइन फ्लैशिंग होती ही है, इसको हम ऑफलाइन फ्लैशिंग बोलते हैं, जो कि आप कोई भी फोन की फ्लैशिंग आप इजीली कर सकते हो। जो ऑनलाइन बोलते हैं हम लोग, तो वो हम USB से नहीं कर सकते, तो आप वो EMMC निकाल के यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि A3S वगैरह जो मॉडल है A5, A3S, A7, ये हम USB से नहीं कर सकते फ्लैशिंग। तो उसके हम यहाँ पे क्या है, UEFI बॉक्स में आप EMMC लगा लो और यही सेम प्रोसेस में आप फ्लैशिंग करो, कोई भी ऑथेंटिकेशन का नहीं आएगा एरर, डायरेक्टली आपका फ्लैश हो सकता है। तो वेट करेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ 5 मिनट्स भी लग सकते हैं फ्लैशिंग में, क्योंकि सिस्टम फाइल बड़ा होता है, 10 GB वगैरह कुछ बता रहा है यहाँ पे फाइल का, कुछ 8 GB की फाइल है ये, तो टाइम लग सकता है। तो वेट करेंगे हम थोड़ा सा, इसका एक्चुअली साइज कितना है एक बार देख लेते हैं। हाँ, 7 GB की फाइल है, ठीक है। तो वेट करते हैं, यहाँ पे वेंडर की फाइल राइट हो रही है। इसके बाद हम फोन को डायरेक्टली लगा, MMC को हम डायरेक्टली फोन में लगा लेंगे, क्योंकि बस इतना ही हमें टास्क करनी है MMC चेंज के अंदर। पहले हमें डम फाइल चाहिए, टेस्टेड वाली चालू MMC, या अगर आपके पास कोई फोन है सेम टू सेम तो आप उसका भी डम फाइल रीड कर सकते हैं। डेड फोन का नहीं रीड करना है, चालू फोन का रीड करना है। अगर आप डेड फोन का रीड करोगे तो वो डम भी फाइल डेड ही होगी, उसमें जो पार्टीशन होते हैं सब डेड हो जाते हैं। तो हमें चालू फोन का रीड करके एक टेस्टेड बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले डम फाइल डालने के बाद अब यहाँ पे फ्लैशिंग चल रही है, तो वेट करेंगे पूरा फ्लैशिंग होने तक। इसके बाद हम MMC निकाल के फोन में लगाएंगे और लाइवली आपको ऑन करके दिखाएंगे, देखते हैं हमारा फोन पूरा तरीके से ऑन होता है या नहीं होता है। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे फ्लैशिंग टोटली कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मिनिमम कुछ 10 मिनट्स का टाइम लिया है, 5 to 10 मिनट्स का टाइम लिया है। अब एक बार इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे एमएमसी को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएमसी हमारी फ्लैशिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जीपीटी का। ये कोई एरर तो है नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट करके एक बार एमएमसी को देख लेंगे, ये हटा देंगे। तो यहाँ से फैक्ट्री रिसेट एक बार कर देता हूँ मैं। अगर यहाँ पे फील्ड आया तो फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं टास्क, तो एक बार फिर से मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी भी यहाँ पे है ये चीज, एक बार रिसाइज करके देख लेते हैं। यहाँ पे कर लेंगे यस। तो जैसे कि देखते हैं ये इसमें आपका प्रॉब्लम निकलेगा। अगर फैक्ट्री रिसेट से होता है तो उससे करके देख सकते हैं। अगर उसमें कोई भी एरर आ जाता है या वो टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आप फर्स्ट नंबर पे, जैसे कि मैंने रिसाइजिंग का फाइल सिस्टम बता रहा हूँ, वहां से भी आप कर सकते हैं ये चीज। तो इसको देखो, नीचे आपकी एक टास्क चल रही है, ये पूरी एक लाइन चल रही है, पूरा कंप्लीट होने तक वेट करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार आइडेंटिफाई एमएमसी कर लेंगे और उसके बाद एमएमसी हम उठा के बोर्ड में लगा लेंगे और चेक करेंगे हमारी आगे की प्रोसेस फोन में ऑन हुआ है, यहाँ पे के कोई प्रॉब्लम आया है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डन आ गया है। एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बार एमएमसी को और यहाँ पे देख सकते हैं वो एरर चला गया है जो एरर आ रहा था, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था हमें। फिर भी एक बार वो क्लियर करना है तो करके एक बार मैं आपको दिखा दिया। इस प्रोसेस में वो कंप्लीट हो गया है और नीचे भी आप देख सकते हैं पहले 4 GB बता रहा था, अब 52 GB पूरा यहाँ पे साइज बताना भी स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये एमएमसी हम फोन में लगाएंगे और इसको आगे का काम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पूरा एंड वीडियो एंड तक देखे रहे। तो हमारी यहाँ एमएमसी पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग हो गई है और एक बार मैं इसको फिक्स करके ऑन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पुरानी एमएमसी लगी है बोर्ड में और हम यहाँ पे इसको ये वाली एमएमसी लगा लेंगे। ठीक है, आपको दोनों भी नंबर चेंज है, अब यहाँ ऊपर देख सकते हैं दोनों का नंबर चेंज है। यहाँ पे एक में B421 नंबर है और हम जो लगा रहे हैं B614 ये नंबर है, हम ये लगाने वाले। तो चलो आगे इसका बना लेंगे हम। तो पुरानी एमएमसी पहले निकाल लेते हैं। ऑलरेडी ये एमएमसी ब्लैक पेस्टेड जो थी उसका
तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी डाउन है, एक बार चार्जिंग लगा के फिर से चेक करते हैं। और यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे चार्जिंग का एम्पियर भी आ गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो चार्जिंग का भी लोगो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो बैटरी डाउन था इसके लिए चार्जिंग का शो नहीं कर रहा था, अभी यहाँ पे बैटरी देखो चार्जिंग भी ऑप्शन आ गया है। और इसके बाद अभी हम यहाँ पे उसको ऑन करेंगे पूरा तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे अभी फर्स्ट लोगो हमारा ये आ गया है, और वेट करेंगे सेकंड लोगो के लिए। अगर सेकंड लोगो आ जाता है तो मेरा फ़ोन पूरा कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, देखते हैं। जैसे कि अभी ये फर्स्ट लोगो पे अटका, हाँ तो यहाँ पे अभी ये सेकंड लोगो आ गया है, नीचे का एंड्रॉयड चला गया तो ये सेकंड लोगो आ गया ही है। अब यहाँ पे देखेंगे पूरा फ़ोन ऑन हो जाता है, क्योंकि सेकंड लोगो आ गया तो मेरा फ़ोन ऑन ही हो जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन ऑन हो गया है, और इंक्रिप्शन अनसक्सेसफुली, जैसा कि इसके अंदर हमने एक फाइल डाला हुआ है, डम फाइल डाला हुआ है, और इसके अंदर स्पेशल फाइल MMC फ्लैश फाइल डाल के चालू किए थे। तो एक बार फ़ोन को रिसेट करना ज़रूरी होता है, एक बार फ़ोन को यहाँ रिसेट कर लेंगे। तो ये फिर से ऑन हो रहा है रिसेट होने के बाद, देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अगर ऑन हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आगे का जो भी है प्रोसेस हम देखेंगे। चार्जिंग तो बता रहा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बैटरी रिकनेक्ट करके लगा के फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाइप करेंगे एक बार। तो यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट एक बार वाइप कर लिया हमने सेटिंग से, और अब यहाँ पे देखेंगे रिबूट होने के बाद। फर्स्ट लोगो आ गया है हमारा, और सेकंड लोगो के लिए वेट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे सेकंड लोगो भी आ गया है, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा बूट होने में टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, मिनिमम एक 2-4 मिनट्स या 5-6 मिनट भी लग सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये बूट हो रहा है, फैक्ट्री रिसेट होने के बाद तो टाइम लगेगा, उतना वेट करेंगे अपन।
तो जैसे कि फर्स्ट टाइम में जब वो आया था, इनक्रिप्शन और अनसक्सेसफुली का कुछ एरर आ रहा था, जो कि हमने MMC चेंज करने के बाद वो ऑन हुआ था पूरा, उसके बाद एक एरर आया था, तो हमने वहाँ पे रिसेट फ़ोन करने के बाद अब यहाँ पे ये फर्स्ट लोगो और सेकंड लोगो आ गया, अब यहाँ पे एरर तो नहीं आ रहा है और टाइम ले रहा है सेकंड लोगो पे, तो इसका मतलब ये टोटली ऑन हो रहा है पूरा। तो वेट करेंगे पूरा, जब तक वेलकम स्क्रीन नहीं आती है तो वेट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन आ गई है वेलकम की यहाँ पे, और अब यहाँ पे हम सेटअप कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट डिवाइस यूज लिमिटेड, ये RPM भी क्लीन करने के बाद वीवो में आती है ये चीज़ें, एरर आती है, तो इसको मैं फिक्स करके बाद में बताऊँगा, पहले तो ये पूरा फ़ोन ऑन कर लेंगे। ये RPM भी क्लीन करने के बाद आती है ये चीज़, तो हमें RPM भी फाइल डालना है इसकी, बाकी नेक्स्ट करेंगे आगे। तो हम ये USB से फाइल डाल सकते हैं RPM भी की, मैं अनलॉक कोड से बताऊंगा कैसे डालते हैं। जैसे कि मेरे डाटा में बताया था कि RPMB की फ़ाइल मेरे पास डाटा में है, तो ये आप कोई भी फ़ोन से रीड करके डाल सकते हैं, मतलब सेम मॉडल से निकाल के डाल सकते हैं, सेम टू सेम अगर आपके पास Y81 है तो आप उसका RPMB रीड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फ़ोन FRP लॉक में है, स्किप, ठीक है, इसमें FRP लॉक आया था क्योंकि हो सकता है जो मैंने 128 MB का जो डम रीड किया था उसके अंदर उसका FRP लॉक आया होगा, जो दूसरे फ़ोन से मैंने टेस्टेड डम रीड किया था, तो वो कारण से वो FRP लॉक आया, मैंने इसको बाईपास कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट डिवाइस यूज लिमिटेड अभी भी ये एरर है, और इसका RPM भी डालने के बाद ये आ जाएगा, तो मैं ये भी आपको फाइल बताऊँगा किस तरह डालेंगे। एक बार अबाउट फ़ोन में जाके देखते हैं, मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पे 3/32 जो इसकी पुरानी MMC थी 3/32 GB स्टोरेज था, मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 4 GB RAM और 64 GB का स्टोरेज यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ।